खबर क्या है? पहली खबर में देख रहे हैं, अनुराग ठाकुर समझा रहे हैं और राहुल गांधी बदले से हैं। बदले से राहुल गांधी की क्या खबर है, चलिए खबर पर आ जाते हैं और खबर की शुरुआत कर देते हैं। संसद चल रही है, खूब हंगामा हो रहा है और आपको बताए राहुल गांधी इस बार अग्निवीर को लेकर खूब हमलावर हैं। केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कल भी आपने संसद की तस्वीर देखी, कैसे राहुल गांधी ने अग्निवीर पर सवाल उठाया और राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। आज अखिलेश यादव ने अग्निवीर को लेकर फिर से सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने चैलेंज कर दिया अनुराग ठाकुर से, कहा बैठ जाता हूं और आप खड़े होकर कह दीजिए कि अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। संसद की ये बातचीत सुनने में अच्छा लगता है, खूब बहस हुई है दोनों नेताओं के बीच। बड़े बड़े नेता हैं, युवा हैं, और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और कहा जाए कि युवाओं का साथ पसंद है, तो देश की सियासत की दोनों बड़े चेहरों की बहस भी तो दिखाना जरूरी है, क्योंकि संसद बदल गई है, चेहरे बदल गए हैं, समीकरण बदल गए हैं, अंदाज बदल गया है। सुन लीजिए इस बातचीत को, बड़ी दिलचस्प है, फिर आगे विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सुनाइए जरा इस गपशप में क्या निकला। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदस्य साहब अपनी बात। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? अखिलेश यादव बैठे हैं और पीछे पत्नी डिंपल यादव मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। इसीलिए कहता हूं कि संसद की तस्वीर जो आती है वो बहुत दिलचस्प होती है। संसद में अग्निवीर योजना को लेकर जमकर हंगामा शुरू हो गया और हंगामा यहां तक बढ़ गया कि बात स्कूल और कैप्टन तक पहुंच गई। दो युवा सांसदों का संसद में पारा हाई था, या यूं कहिए वोल्टेज हाई था। सुना दीजिए हाई वोल्टेज में क्या कह रहे हैं युवा सांसद, सुनाइए जरा। चेल जानते हैं आप कहां है, कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूं, और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रही हूं आपस में चर्चा न करें। ये सभापति महोदय, ये सभापति महोदय जी जी, एक मिनट से भी कम मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 24 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अफवाहें फैलाने का झूठ बोलने की आदत। मजा आ रहा है सुनने में ना, देश के युवा और स्मार्ट सांसद कह रहे हैं तुम यहां पढ़े हो मैं यहां पढ़ा हूं, तुम अगर यहां हो तो मैं यहां हूं। ये बातचीत दिखाना जरूरी है। अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर की बात पर इतने गर्म आ गए कि मंत्री ना बनने पर भी तंज कस दिया, और तो और ये भी कह दिया कि आपकी सरकार ही नहीं चलेगी। सुनिए, आपका समय सभापति महोदय, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते, आप अपनी जब भी हम सत्ता में आएंगे साल दो साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना। बजट, अग्निवीर पर हंगामा होते होते बवाल जाति जनगणना तक पहुंच गई। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले बयान पर पलटवार करते हुए कह दिया जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात कर रहे हैं। सुनिए कितना हंगामा हुआ संसद में इस बयान पर, सुना दीजिए जरा ये भी। बोलो, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए।
इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति। बाप रे बाप, अखिलेश यादव बहुत गुस्से में है, जाति कैसे पूछ सकते हो, तुम तड़ाक में आ गए, बात इतनी बढ़ गई कि आपसे तुम तड़ाम पर आ गए। देश की संसद है भाई, मत करिए इतना हंगामा, आप लोग मत करिए इस तरह से बात मत कीजिए, आपको देश देख रहा है। देखिए संसद की जो तस्वीर आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, और ये आपके चुने जनप्रतिनिधियों की बहस है, इसलिए सुनाना जरूरी था।